I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's... Okay, you guys, I am all set. Let me show you. तो यहाँ पे हम जा रहे थे पानाजी सिटी को एक्सप्लोर करने और हमने स्कूटी जो है रेंट में लिया था. सो इन फ्रंट ऑफ आवर होटल यहाँ पे कुछ हमको ज्वेलरी सब दिख रही है. ओ, ये सब सिल्वर है. इन्होंने बताया कि मेरी जो है सिल्वर है, जो कि मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि इनमें कुछ भी नंबरिंग नहीं था. बट यस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिल जाती है, होम डेकोर रिलेटेड चीज़ें, तो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट. ओके, सो आई फाउंड आउट दिस शॉप, मतलब तीसरा सरोजनी आफ्टर पॉन्डिचेरी. यहाँ पे 150, 100, वी हैव 200 का थिंग्स. हेलो, आई लव गोवा. कौन है? तो हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ले लिया है. लेट मी शो यू फशीनो फॉर 300, नहीं 400 रुपीज़, क्योंकि हम एक ही दिन के लिए ले रहे हैं. दैट्स वाई वो वाला. हीना, हीना बाबू, इसके ड्रेस में मैंने मेकअप लगा दी है. Till I get up, time is barely on our side. Okay, you guys. तो हाँ, हम अभी चर्च में आए हैं. आई मीन ये वाला चर्च जो कि पंजिम का काफी फेमस चर्च है. सो वी आर हियर, द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च. हाँ, अंश के लिए हैट ले रहे हैं. ब्लैक कलर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं. वो भी छोटा है क्या? ये रहते हैं. ये तो बड़ा है, सबको इसके लिए बड़ा ही है. देखो ना, अरे ये रहता है मम्मी. अरे बाप रे, अरे अरे इधर. कौन है ये? ये गोवा है. कैसे लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे मैं मछली लेने जा रहा. मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ भाई इसमें. उसी चर्च के फ्रंट में ये वाला लेन था, या फिर आप मार्केट बोल सकते हो, था. तो हमने सोचा कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, बिकॉज चर्च जो है कोविड की वजह से बंद था टेम्पररीली. तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज़ करी, जस्ट लाइक हैट, कुछ ज्वेलरी. बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्लीन प्लेस है, वी लव्ड इट. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And आफ्टर चर्च हम लोग गए थे पानाजी मार्केट में, लेकिन पानाजी मार्केट में इतना ज़्यादा लोग थे कि मैं वहाँ पे कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई. उसके बाद हम गए थे मीरामार बीच के पास, था एक प्लानिटोरियम, यू कैन सी गोवा साइंस सेंटर, जहाँ पे बहुत सारे गोवा के रिलेटेड चीज़ें थी जो कि बहुत ही पुराने पुराने चीज़ें. तो हम लोग देखना चाहते थे, काफ़ी फेमस है सुने थे. सो टिकट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, एंड अंदर जाने के लिए यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग एंड ऑल अलाउड नहीं था. तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन थोड़ा बहुत छिपा के मैंने रिकॉर्डिंग की है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी. सो यस, यहाँ पे आयाश जो है अपना बी टाइम एंजॉय कर रहा है, एंड या दैट्स, यू कैन सी ऑल साइंस काइंड ऑफ थिंग्स हियर.
ओ गॉड, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रास्ता नहीं मिलता यार, मुझे जाने में डर लग रहा है। ओ गॉड, ओ गॉड, आई वांट टू गो बैक। ओके यू गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। आई मीन बाहर से हम पानाजी आज गए थे एंड लास्ट प्लानिटोरियम गए थे, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आ गए यानी कि होटल में, ताकि हम चाहते थे थोड़ा सा रेस्ट करके रात को बाहर जाए एंड वहाँ पे थोड़ा सा बीच के पास रात में पेंट करे। सो आ गए थे अभी रेस्ट करके, अभी निकल रहे हैं। एंड मैंने ये रेड कलर का शर्ट पहनी हुई है, आई गॉट दिस फ्रॉम रिलायंस ट्रेंड्स, या सो आई रियली लव्ड इट, यू नो बीच वाइब्स देता है, मतलब बहुत ही ड्रामेटिक है, नॉट लाइक मी। तो एक्चुअली मैं फ़ोन से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कैमरा में ज़्यादा चार्ज नहीं है और मुझे अभी बाहर जो जाना है कैमरा में ही शूट करना है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा शेव कर रही हूँ। एंड या दैट्स दैट, चलिए चलते हैं बाहर, बाहर ही डिनर करके आएंगे, लेट्स गो। सो नाउ मैं आपको एक क्विक व्यू दूंगी हमारे होटल का जहाँ पे हमने स्टे किया था। मैंने आपको रूम की टूर दी थी लेकिन आउटर व्यू नहीं दिखाई थी बिकॉज मैं वेट कर रही थी कि रात हो एंड लाइट में इतना सुंदर लगता है कि मैं चाहती थी कि आपको दिखाऊं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लगा, इतना गॉर्जियस लगा कि मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस होटल के बारे में, ताकि आप लोग जो है जब भी आओ यहाँ पे आप ट्राई कर सको। सो ये है सुप्रीम ग्रांडे होटल एंड मैं इसका कुछ प्राइस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं उसके लिए सेपरेट यू नो बजट एंड एक्सपेंसेस के ऊपर गोवा के वीडियो बनाने वाली हूँ, तो व्लॉग के अंदर वो सब कुछ बात करके प्राइस वगैरह के बात करके मैं अनसुइटेबल नहीं करना चाहती हूँ। तो यस, ये है हम लोगों का होटल, वेट फॉर दैट वीडियो। ओके, सो यहाँ पे लिफ्ट लेके हम ऊपर जाते हैं। सो या इट वॉज सो गॉर्जियस, आई रियली लव्ड इट। इन्फेक्शन नहीं होगा ना, टेम्परेरी। अच्छा कैसे छुड़ाएंगे इसको? छोटा छोटा सा लिखना, ठीक है, इनका अलाउड नहीं। नेम लिखना है? हाँ, इनके अपना मेरा नाम लिख लो, मेरे अपने इनके नाम लिख लो। We both are not tattoo person at all. Like मुझे भी पसंद नहीं, उनको भी पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को, बट हम चाहते थे परमानेंट नहीं करा सकते तो इट्स ओके, बट यू नो गली गली में ये था टाटू कराने का, सो मुझे लगा कि सब कर रहे हैं तो चलो करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है क्या है। सो ये बस इंक का था जो कि 20-25 दिन में हट जाएगा एंड अगर सैनिटाइजर वगैरह लगाओ, वॉश वगैरह करो तो ये चला जाएगा। सो यस, हम दोनों ने ये करवाया था। ये बहुत सीरियस है, तू क्यों सीरियस है भाई? ये है कालांगुट बीच और यहाँ पे डिनर करते हैं लोग, रात में बैठ के पार्टी वार्टी करते हैं। तो कालांगुट बीच के पास ही हम लोगों का होटल था तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे ही हम यू नो डिनर करते हैं एंड थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग जो है हमारा टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। Hey you everyone, so actually we are here at Sea and Queen पे and यहाँ पे beach के सामने बैठ के we are having our dinner, not dinner actually क्योंकि dinner हम और कुछ heavy करेंगे अभी, now we are having some like seafood prawns and बहुत ज़्यादा मन करा था कि lollipop ले and वो भी ले रहे हैं यू नो जस्ट लाइक दैट। सो या बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यू नो सी बीच के पास बैठ के ऐसे डिनर करना एंड हियर इज माई टैटू। आप पीछे जो देख रहे हो ना रेस्टोरेंट्स, वहाँ से आपको ऑर्डर करके ऐसे बीच में बैठ के खाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। उधर है बीच,
एक्चुअली यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके से कैंडल वगैरह दिया हुआ है सो दैट मजा आए बैठ के डिनर करने में. सो हियर आई एम हैविंग वाइन. सो दिस इज नॉन अल्कोहलिक वाइन. तो पहले भी मैंने एक बार ट्राई करी है बट आई डोंट लाइक द टेस्ट. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. बट जस्ट फॉर फन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर रही थी. बट नॉन अल्कोहलिक था सो आई थॉट कि चलो चलता है मैंने ट्राई करती हूँ. बट ऑब्वियसली अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ एंड आपको कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. तो येस दैट्स वॉट वी डिड. ओके एंड हमारा तंदूरी इज हियर. It's looking yummy and smell is also awesome. So here our prawn chili. To be very honest, मुझे prawn chili से chicken chili पसंद आया. मतलब अच्छा लगा. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कालांगुट बीच के पास बहुत सारे लोकल मार्केट्स हैं जहाँ पे मतलब आपको 100-150 में छोटे बच्चों की ड्रेसेस बड़े लोगों के लिए भी ड्रेसेस टी शर्ट्स चप्पल्स वगैरह मिल जाते हैं. तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया यहाँ से एटलीस्ट इस मार्केट से क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ टी शर्ट पसंद नहीं आया. लेकिन अयान्स के लिए 2-3 टी शर्ट तो हम लिए हैं. लेकिन अभी मैं कुछ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी इस व्लॉग में. मैं उसके लिए कलेक्टिव हॉल करूंगी जहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो कि मैंने गोवा से परचेज करी है. सो यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. तो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया रात को जाते हुए मार्केट से. एंड यार हे यू एवरीवन, नो मेकअप अर्पिता इज हियर. एक्चुअली हम घर पे वापस आ चुके हैं जस्ट वोइंग अप माय टैटू जो कि कभी रियलिटी में नहीं आ सकता सिर्फ टेम्परेरी ही कर सकती हूँ मैं इसे. एंड आई एम लविंग इट. एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है ना. सो एक्चुअली हम रूम पे आ चुके हैं खा पी के मतलब डिनर वगैरह करके. हम सोच रहे थे कि घर पे आके कुछ और मंगाए खाने के लिए लेकिन हमें बहुत ही फुल लग रहा था वहाँ से आने के बाद. सो वी थॉट कि चलो इट्स ओके. सो यहाँ पे आके यहाँ पे एक बम्प आ चुका है क्योंकि मैं बहुत ही उत्पतन खा रही हूँ यहाँ पे आके. एंड ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है एंड बीचेस में तो होता ही होता है. सो इट्स ओके हम वहाँ पे जाके फिर से ठीक कर लेंगे. लेकिन आज दिन भर हमने पानाजी कंप्लीट किया. पानाजी बहुत ही अच्छा लगा. मतलब जो भी फेमस प्लेसेस थे जस्ट लाइक चर्च एंड पानाजी का मार्केट स्पेशली बहुत ही सस्ते में मतलब मिलते हैं. अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छे प्राइसेस में मिल सकते हैं. तो उसके बाद हम कहाँ पे गए, प्लानिटोरियम भी गए. वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस रिलेटेड चीज़ें थी. तो बेसिकली बहुत ही अच्छा था पानाजी. कल दिन भर हम एंटायर नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे. सो कल आई डोंट नो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी या फिर न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूंगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट या ब्लॉग तो बन ही रहा है. सो मैं मिलती हूँ कल सुबह आपको क्योंकि सुबह 9 बजे तक हमें यहाँ से निकल जाना है. सो आई विल सी यू टुमारो. ओ माई गॉड, फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है लेकिन पिंपल्स एक दो आ गए हैं विच इज़ ओके. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. बाय.